दोस्तों इस हफ्ते मुंबई गया था परफॉर्म करने और चार शो करे, बहुत ज्यादा मजा आ गया। मुंबई एट हैबिटेट आफ्टर लॉन्ग ग्रेट टाइम विद एवरीवन ओवर हियर गाइस। देखिए दोस्तों, सेम बादशाह और ये मैम लॉयर आई है, मेरे को क्लास की सीटिंग नहीं ला करनी पड़ी थोड़ी। हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। हम तो फोटो लेने आए थे, पर हमने कहा मैंने सोचा वीडियो बना लिया जाए। अभिजीत गांगुली, वी हैव बलराज, वी हैव विद अस एंड चलिंग टुडे, वी हैव शो ओवर हियर। अभिजीत, यू वांट टू से समथिंग अबाउट द ऑडियंस ऑफ फर्स्ट शो? आज भी किलो, पर रिकॉर्डिंग के दिन पता नहीं भाई, इतिहास गवाह है कि जब कोई रिकॉर्ड करना होता है तो जिस बिट को रिकॉर्ड करना है उसके सिवा सब बहुत बढ़िया जाएंगे। तो वो बस वो रिकॉर्ड भाई इसलिए तो आपको लगता है कुछ एक ही बारी में वीडियो करा और आ गया, ऐसे नहीं है तो 15 बार लग जाता है कम से कम। भाई आपने ना, आप अबव द हैबिटेट कितने टाइम बात कर रहे हो? भाई एक साल बाद। बीच में आपने कितने ऑडिटोरियम शो करे? कम से कम करे होंगे 6-7। हां तो यहां पे कितने कितने जन आते हैं? यहां पे 150 और ऑडिटोरियम में And guys, we performed in Mumbai. It was second show. Had a great time with everyone over here, guys. Yes. अगर नहीं मिली तो आएगी ही नहीं है फुटेज। बाकी मजा आया शो में। और रेड बुल बादशाह ही हमारे साथ, रेड बुल गाय, ही ड्रिंक्स रेड बुल एंड ही कीप्स बॉटल ओवर हियर। Thank you. It was third show in Mumbai. We had a great time with everyone over here. Thank you so much. Thank you guys. Thank you so much. Thank you. Probably this was the best one since yesterday. Smash log log recording aa gayi. Ye maine kal bhi bola tha, but theek hai, koi baat nahi. We had a great time with everyone over here. Thank you so much. Thank you for the fourth show. Bahut maza aaya. Hame bhi. Kya banaunga yaar? नॉर्मल कोलैबोरेशन नहीं होगा यार, हो भी सकता है स्किप कर देगा। स्किप कर देते हो? मत करा कर यार। आज का व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये व्लॉग बन रहा है सुबह को 4:56 में। विनय भाई पीछे बैठे हैं, ये इनको लग रही है अभी भूख, और मेरे को तो नहीं लग रही यार। मैं भूख ऐसा है कि ब्रेकफास्ट करने का मन हो रहा है, बिकॉज़ मैं जस्ट उठा हूं अभी। उठा चूतियाँ बना रहा है, कुछ नहीं पी पा के बैठे हुए हैं भाई। 5 बज गए सुबह का और अभी लग रही है भूख। और एक जगह यहाँ पे मड्डू जो कि IIT के पास है, पर उसका वैसा है कि हिट रेशियो तो 50% है कि 50% चांस है कि वो खुला होगा नहीं खुला होगा। मुझे लगता है जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है इसका अपलोड होने का चांस भी 20% नहीं भाई, ये तो मैं कर दूंगा, ये तो अच्छी है। तो अभी दोस्तों दिस व्लॉग इज डिफरेंट बिकॉज वी आर गोइंग इन सर्च ऑफ फूड इन मुंबई एट 5 AM। सी यू गाइज ऑन द रोड्स। चाओ चाओ। जब मैं चप्पल पहनने जा रहा हूँ ताकि हम बाहर जाए। ये चप्पल किसकी है भाई? एक तो भाई बेसबॉल का डंडा है मेरे घर पे, देख लो ये डंडा रखा हुआ इसके घर पे। इसका काम क्या है भाई? तेरा ऑलरेडी 2 व्लॉग में आ चुका है ये डंडा। क्या बात कर रहे? नहीं तेरी ऑडियंस, अरे ऑडियंस ऐड होती रहती है, उनको पता नहीं भैया बार बार इस घर में आके। मैंने देखा था विनय पिछला जो हम लोग तूने मैंने पूछने डाला था उसमें सबसे कम व्यूअर्स 1:10 में 10th नंबर पे चल रहा था वो वाला यार। क्योंकि बार बार ये बल्ला दिखा देता है भाई, ये बेसबॉल का बल्ला रख दिया, नहीं लेके जा रहे। ये जाकर के सोते हुए 3 ऑटो वालों को उठा चुका है और कोई नहीं मिल रहा है। इट्स एम्प्टी राइट नाउ। मुंबई इज ब्यूटीफुल एट नाइट, आई मस्ट टेल यू। ऑटो मिला कि नहीं मिला? भाई वापस ऊपर देखने चलते, आगे ढूंढते मिलेगा। The auto is approaching from that side. Let's hope he stops for us and we go to Maddu. I think we finally got the auto. Here we have the auto. Ta-da!
29 going towards Madumes. Hopefully we get good food over there. You excited? Mumbai mein khali sadke agar dekhni hai ha to wo isi time milti hai subah 3 se 5 baje ke beech mein 2:30 baje bhi jam dekhe hain yahan pe 5:30 baje bhi jam dekhe hain 3 se 5 is the time to chill in Mumbai. उसके बाद ऑटो से निकल के हम पहुंचे मड्डू मेस की तरफ और जहां पे लकीली वी वर इन द लकी 50% आज खाना मस्त अवेलेबल था। यहां ज़्यादा व्लॉग तो बनाया नहीं पर सुबह सुबह अंडा डोसा खाए दो और बहुत ही ज़्यादा करारा मेदू वड़ा, मतलब कुल मिला के इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और हमारे 10 मिनट के अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ आ गई थी, स्टूडेंट्स आ गए थे खाना खाने वहाँ पर। भाई मड्डू से खा के निकले हैं और मुंबई में 5:34 पर सुबह 5:34 पर भी एक ये छोटा जाम मिल गया हमें, ये देख लो भाई हद है भाई 5:35। हेलो गाइस कम टू पटना फॉर फर्स्ट टाइम विद कुल्लू। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब आप? अरे मैंने कलर दबा रखा है इसका, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है तो वो ब्लैक कलर ही है पर वो आंखों में नहीं लगे। कुल्लू क्या उम्मीद है आज के शो से तुम्हें? भाई बहुत बेहतरीन उम्मीद है, बिहार में पहली बार आ रहे हैं, मजा आ गया भाई साहब। हम भी पहली बार ही आए हैं, मैं तो यार सोचते होते आया हूँ किताब किताब पढ़ते आया हूँ रस्ते। हाँ यार कौन सा पार्क है ये? इको पार्क। तो अच्छा पार्क है यार, लंबा में है, बहुत दूर तक है। भाई ये सारे मंत्री लोग का घर यहाँ पे, नाला था ये। अच्छा क्या बात कर रहे हो, बना करके पार्क बनाया गया है। भाई इतना ज्यादा भीड़ कैसे है पार्क में आज? अरे यार संडे है ना भाई, इधर कल्चर होता है ना, ये नीचे से जाने का रास्ता है, रोड पार्क नीचे से। अच्छा भैया कहानी जो आपने बताई दोबारा बताना प्लीज, बड़ी अच्छी है। एक सेकंड भैया आमिर खान वाली कहानी बताइए पहले। न्यूज में हम भी थे उस समय, न्यूज में इंडिया न्यूज में जॉब करते थे ना। अच्छा क्या बात सुना, हम लोग ऋषि के तमीज खान को आमिर खान आया यहाँ पे, एक लिट्टी दुकान पे ले गया गया और वहाँ से लिट्टी चार उसको दिया गया, लेकिन एक लिट्टी में एक आध काटा मारा होगा। अच्छा उसके बाद पूरे पटना में आमिर खान का फोटो लग गया दुकान पे, लिट्टी हर लिट्टी दुकान में आमिर खान का फोटो लगा दिया गया कि यहाँ पे आमिर खान लिट्टी खाया है। किस दुकान से खाया किसी को पता? अब सच्ची असली दुकान कौन सी थी? अच्छा आगे थी वो अली, वहाँ से दिखा दूंगा अभी। अच्छा अच्छा दिखा दीजिएगा हाँ वो भी भैया। इसी में सब डाला हुआ है। अरे मैं लोगों को तो पता ही है, बस बढ़िया लग रहा है हिसाब किताब ना भैया। ये खाएंगे भाई, इसके बाद पियेंगे गुल्लू, चना सत्तू भी लेंगे। सही है भाई, तुम भी खाओ, 3-4 प्लेट कर देना भैया जितना सबका है। हैं लो लो शुरू कर। ये सुबह का था, किसका ये जो था ब्रेकफास्ट के रूप में था। हाँ लेकिन ये 12 घंटा चलने लगा। हाँ हर जगह मिलता है आजकल तो, दिल्ली सब जगह, दिल्ली जगह हर जगह मिलता है, पर हमने कहा यहाँ आए तो यहाँ पे खा लेके जाए जरा। अरे लेना यार, ले रहा हूँ ले रहा हूँ, लो भैया को भी दो भैया। क्या लेडीज लोग ये लिट्टी नहीं खाती ज्यादा? कोई भी लेडीज चटक पटक जो होता है ना, चाट बोला हुआ चाट हो गया, वो से ज्यादा पसंद करती है लेडीज, चटक पटक पसंद करती है। और लड़का लोग ये अपना लिट्टी, लड़का लोग नहीं हाँ, जो 18+ है वो सब लिट्टी पसंद करता है, पेट का बीमारी नहीं है हाँ वो पसंद करता है। और 18 से कम वाले को क्या पसंद है? वो सब कुछ भी खा लेगा, पत्थर भी चबा जाएगा वो। कह रहे सिंगाड़ा खाते हैं, सिंगाड़ा यहाँ पे मतलब समोसा ना, समोसा चटक पटक तो हमको ही पसंद, तो 10% जेंट्स का पसंद होता है चटक पटक, 10% जेंट्स का पसंद होता है। बाकी है कि कुछ भी खा लो हाँ, तो हम 10% में आते हैं जिसको, बाकी तो 40% है कि कुछ भी नहीं बोला तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, जो मिल गया चावल खा लिए वो। यही पे आमिर खान लिट्टी खाए थे, आमिर खान यहाँ लिट्टी खाए थे। अरे भैया हमें भी यही खिला देते फिर, काहे के लिए यार। ये जू का जो है ना, जू का ये पहला गेट है, अच्छा ये पवन सिंह देख रहा है आप, पवन सिंह हर ये उस पे सब है। हाँ। वाला पवन सिंह का लगा दिया। हाँ। मेरा आमिर खान जो दुकानदार है वो लगाया होगा आमिर खान का, नहीं लेकिन पवन सिंह का दीवान भी है, आप मना कर रहे थे। तो कुल्लू की अगुवाई में आज IIT पटना में शो होगा, ये सारे बच्चों ने ऑर्गेनाइज करा है, ज्यादा शोर होता है ना उधर, इधर देखेंगे वहाँ पूरा माहौल बन रहा है, इसको छुपा देंगे, ये रेड बुल है इसकी स्पॉन्सरशिप नहीं करेंगे। करवा दी, ये भैया हमारा वीडियो ले रहे हैं, हम इनका वीडियो ले रहे हैं, ये तो चलता ही रहेगा। सारे बच्चे तैयार है, सोच के बहुत कॉमेडी होने वाली है, और कक्कड़ चूरा हल्का हल्का
ठंड लग रही है सबको। कल्लू क्या लग रहा है, कितनी देर में उतरोगे? ठंड है भाई साहब, और मेरे को मेरे सीनियर कॉमेडियन ने कह दिया कि ज्यादा किल नहीं करना। हाँ, सीनियर कॉमेडियन तो नहीं, पर भाई कुछ भी, भाई जो मिल रहा है ले आओ भाई। हाँ अनाउंस करो, चलो जो मिले उठा के सीधा ले आओ, उसको मुट्ठी भरे जो मिल के ले। और उसके बाद दोस्तों स्टेज पे गया कुल्लू, जिसने की बहुत ही ज़्यादा कोहराम मचा दिया था स्टेज पे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड देन आई वेंट ऑन द स्टेज एंड आई हैड अ ग्रेट ग्रेट टाइम इन IIT पटना, जो कि अभी आपको दिखेगा। छोटा सा ब्लॉग बना चलेगा। ओके सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल गिव इट अप फॉर आदित्य कुल्लू, प्लीज गिव इट अप। ओके कुल्लू, कैसा एक्सपीरियंस था बता दे जल्दी से। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, बहुत मजा आया गाइस, मजा आया हम दोनों में। दोस्तों तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई नो आप लोगों को शायद नहीं पता, पर ये खड़े माहौल में स्टैंड अप देखने से एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। एंड यू गाइस विद अस वर, एक सेकंड नहीं बोलता हूं, यू गाइस वो तब तक ताली बजा ही नहीं पा रहे थे, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा था क्या बात हो रही है। पर थैंक यू यार, आप लोग हमारे साथ थ्रू आउट द शो थे एंड वी परफॉर्म इन IIT पटना। सो वी परफॉर्म इन IIT पटना, हैड अ ग्रेट टाइम विद एवरीवन। Okay guys, so that was the end of today's vlog. I hope you liked the vlog. If you liked the vlog, then do subscribe to the channel. Next vlog is going to be out very soon. मतलब 2-3 दिन के अंदर होपफुली डाल दिया जाएगा। यार मैं एकदम झड़ी नहीं लगाता व्लॉग की, कई लोग मेरे को मैसेज करते हैं इंस्टा पर, DM करते हैं व्लॉग कब आएगा। भाई मैं एकदम ऐसे रैंडम झड़ी नहीं लगाता, क्योंकि सेंस नहीं है यार कि जबरदस्ती बस कैमरा खोल करके हर रोज सेम चीज़ें रिकॉर्ड करो। कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन अगर होता है तो देन आई ओनली रिकॉर्ड। तो दैट इज़ वाई जैसे पहले बहुत रेगुलर था, क्योंकि बहुत एक तो बेसिकली अभी शोज वगैरह चल रहे हैं, मैं अपने स्टैंडअप चैनल पे बिट डालने वाला हूँ, तो उसके एडिट वगैरह चल रहा है काफ़ी, इधर उधर की चीज़ें चल रही है। तो प्रेफरेबली 2-3 दिन के अंदर आ जाया करेगा एक व्लॉग। आज भी देखो चौथे दिन आया ये वाला लास्ट से, तो जब भी एक अच्छा एक बन जाता है मेरा तब मैं डालता हूँ, वरना तो बहुत सारा होता है मैं रिकॉर्ड करके आई जस्ट एडिट इट आउट की छोड़ो ये क्या डालना है, रैंडम ही है। बट थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द व्लॉग, सी यू इन अनदर व्लॉग वेरी सून।